गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको प्रैक्टिस पेपर जो आपका, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के पेपर का थोड़ा सा नियम चेंज हुआ है कि आपके दो पेपर होंगे। एक आपके एमसीक्यू होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन और उसके चार ऑप्शन होंगे जिसमें एक सही होगा, है ना। तो आपको मालूम है कि एक क्वेश्चन आपका एक पेपर ऐसा होगा जो 40 मार्क्स का होगा, तो उसका हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे। हो सकता है ये आपके टीचर्स ने आप लोगों को अभी तक शेयर भी कर दिया हो। ये 10th क्लास का है, देखिए इसे आप कैसे करेंगे और इसका पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ही है कि ये प्रैक्टिस पेपर है, फर्स्ट टर्म का है, सब्जेक्ट उर्दू बी है, 303, ठीक है। इसके बाद आपका जो मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स रहेंगे। क्लास 10th है और 90 मिनट्स का होगा, 90 मिनट्स यानी कि आपके 3 घंटे का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस सवालनामे में कुल कितने क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कितने, 50, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरे पॉइंट में आपका बताया गया है सवालनामा जो है, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये 3 हिस्सों में मुश्तमिल है, यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है, बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा अलिफ, फिर दूसरा बे और तीसरा जीम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है तीसरे पॉइंट में, अलिफ जो है ना, इसमें दो गैर दर्सी अख्तिबासात हैं, यानी कि गैर दर्सी का मतलब होता है जो आपकी बुक में से नहीं लिए गए हैं, ठीक है। इसमें एक नसर का है और एक शेरी है। इसके अलावा हर अख्तिबास में जो है आपके 6-6 सवाल हैं, इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सवालों के जवाब देने हैं। यानी पहला ही अख्तिबास, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा है थोड़ा सा, इसके बाद इस अख्तिबास के बाद आपके 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 के जवाब देने हैं। इस तरह से ये दो अख्तिबास करने के बाद आपका हिस्सा अलिफ जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हिस्से बे की, तो हिस्से बे में कुल 13 सवाल होंगे जिसमें से आपको 10 सवाल के जवाब देने होंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैम फर्स्ट थ्री छोड़ दें या सेकंड थ्री, लास्ट के 3 छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी 10 सवाल के जवाब दे सकते हैं, चाहे वो पहले दूसरे तीसरे से लगातार आप 10 दे दें, चाहे आप शुरू के 2 दे के फिर 1 छोड़ दें, फिर 5 दे के 1 छोड़ दें, इस तरह से कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सवाल आपको नहीं आते हैं उन 13 में से कोई भी 3 आप सवाल छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम हिस्सा जीम की बात करें, जो कि आपका लास्ट हिस्सा है, उसमें कुल 25 सवाल होंगे जिसमें से आपको 20 करने हैं। सेम पैटर्न वही रहेगा, जो 5 सवाल आपको नहीं आते हैं या जिसमें आपको डाउट है कि मैम ये वाले तो हो सकता है कंफ्यूजन में है या हमें समझ में नहीं आ रहे, तो वही क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है। जितने आपको आते रहेंगे आप उनको करते रहेंगे। हमेशा याद रखिए, इंस्ट्रक्शन में जितने क्वेश्चन आपसे करने को कहे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन किया कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से कभी कदार अगर टीचर गुस्से में है ना, तो आपके मार्क्स भी काट लेते हैं वो, ठीक है। तो कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है, जितने इंस्ट्रक्शन में कहे गए हैं उतने ही क्वेश्चन किया करें। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि सारे सवालों के जो नंबर हैं वो बराबर हैं, यानी हर सवाल पर आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला हिस्सा, ये देखिए आपका आ गया है हिस्सा अलिफ, और इसमें ये पहला आपको इख्तिबास दिया गया है। क्या लिखा गया है, दर्जज़ेर गैर दर्से नसरी इख्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक सवालों में से सिर्फ 5 सवालों के जवाब दीजिए, क्लियर है। अब हम इस इख्तिबास को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थीं, उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था, जेब खर्च के पैसे भी वो अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। जब उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ारसी ज़बान और हिसाब बहुत जल्दी बहुत हद तक सीख लिया, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं, हिसाब यानी मैथ्स हो गई आपकी, और फ़ारसी ज़बान हो गई आपकी फ़ारसी ज़बान, पर्शियन जैसे हम बोलते हैं। तो ये इख्तिबास किसके ऊपर है, गुरु नानक जी के ऊपर है, उनकी आदतों के ऊपर है कि वो शुरू से ही आम बच्चों से अलग थे, उनको जो पॉकेट मनी मिलती थी खर्च करने के लिए वो अपने नहीं खर्च करते थे। जैसे हम लोग को पॉकेट मनी मिलती है, हम क्या करते हैं, आइसक्रीम खा ली, चॉकलेट खा ली, कुछ अपने लिए ले आए, हम लोग यही करते हैं ना, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। वो क्या करते थे, जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें उन्हें दिखा के भाई इनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो अपने सारे जेब खर्च के पैसे उन्हीं लोगों को दे देते थे।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो अब देखिए आगे बढ़ते, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया है, अब देखिए आगे क्या लिखते हैं। आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। जब वो बड़े हुए तो उनके वालिद ने पहले खेती बाड़ी और फिर तिजारत करने के लिए कहा। यानी जाहिर सी बात है, जब बच्चे का पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है, तो कोई भी पेरेंट्स ये तो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भूखा रहे, है ना। तो क्या कहते हैं कि भाई हमारे बाद भी वो कुछ कर पाए, इसके लिए क्या कहते हैं भाई, या तो आप खेती बाड़ी कर लीजिए या फिर बिज़नेस शुरू कीजिए, कुछ तो कीजिए। खाली बैठे रहने से तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, खाली बैठे रहने से तो आपका जेब खर्च और आपका घर नहीं चलने वाला है ना। तो क्या बोला उन्होंने कि भाई या तो आप खेती बाड़ी कर लें या फिर आप बिज़नेस शुरू कर दें। उन्होंने किसी काम में दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि उनका दिल दुनियादारी में नहीं लगता था। यानी उन्होंने किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों? कि उनका उनका दिल जो है इन सब चीज़ों में लगता ही नहीं था, उनका दिल जो है वो दुनियादारी में था ही नहीं। एक दिन गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपये देकर लाहौर भेजा और कहा कि ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ नफ़ा हो। यानी कि ऐसा बिजनेस करना, ऐसा मतलब लेन देन करना जिससे हमें कुछ नफ़ा यानी कि प्रॉफिट हो, है ना। उन्होंने बाला नाम का एक नौकर भी साथ कर दिया। पहले ज़माने में जो रिच पर्सन हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, वो अकेले इस तरह से नहीं जाते थे, उनका एक नौकर या खादिम हमेशा उनके साथ जाता था, है ना। तो उन्होंने भी बाला नाम के एक नौकर को साथ में कर दिया, सामान उठाने के लिए और बहुत सारी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नज़र आए जो बहुत भूखे थे। गुरु नानक ने उनको कुछ रुपये देना चाहे लेकिन फ़कीरों ने कहा ये पैसे हमारे किस काम के, ठीक है। यानी कि फ़कीरों ने उनसे वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो ये हो गया आपका इक्तिबास। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है गुरु नानक को किसका शौक़ नहीं था, तो बताइए किस चीज़ का शौक़ नहीं था। तो आप लिखेंगे खेल कूद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा है गुरु नानक का दिल किस में नहीं लगता था, तो किस में नहीं लगता था उनका दिल, दुनियादारी में नहीं लगता था, है ना। आगे लिखा है गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहाँ भेजा था, तो लाहौर भेजा था, है ना। तो इस तरह से ये इक्तिबास को आपको पढ़ना है और जल्दी जल्दी जवाब देना है। अब ऐसे यहाँ देखिए लिखा है बचपन से ही गुरु नानक की आदतें किससे मुख्तलिफ थी, तो आप लिखेंगे आम बच्चों से। जेब खर्च के पैसों को गुरु नानक किस में तकसीम कर देते थे, तो आप लिख देंगे ज़रूरतमंदों में, ठीक। अब इस तरह से आपने 5 कर लिए हैं, तो आप ये 5 खत्म कर सकते हैं क्योंकि छठा क्वेश्चन जो है तो टोटल 6 लेकिन आपको करने कितने हैं, 5, ठीक है। तो अब अगर आप चाहें तो इसमें से कोई भी एक छोड़ सकते हैं, चाहे आप ये लास्ट का छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ लिखा है जो नौकर गुरु नानक के साथ गया था उसका क्या नाम था, उसका नाम बाला था, है ना। आसान, बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हिस्सा अलिफ का ही दूसरा भाग जो है, दूसरा जो हिस्सा है वो क्या है, इसमें आपको शेरी इक्तिबास दिया गया है। तो क्या लिखा है, दर्ज ज़ेल गैर शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक सवालों में से सिर्फ 5 सवालों के जवाब दीजिए। अब अगर आप देखें तो इसमें भी यहाँ देखिए 7, 8, 9, 10, 11 और 12, है ना, 12 तक सवाल, यानी कि 6 सवाल हैं। तब आपको कितने सवाल के जवाब देने, सिर्फ 5 के। अब इक्तिबास क्या है इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है चिरागों की तरह जलना सिखाया, दरख्तों की तरह फलना सिखाया, नए हालात में ढलना सिखाया, पकड़कर उंगली या चलना सिखाया। क्या बोलते हैं कि हमें चिराग की तरह जलना सिखाया, मेहनत करना सिखाई, है ना, दरख्तों की तरह फलना सिखाया कि दूसरों की मदद करो, है ना, नए हालात में ढलना सिखाया, कोई प्रॉब्लम है कोई मुश्किल है, हर वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, है ना, तो उसमें ढलना सिखाया कि हम किस तरह से हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, और हमारी उंगली पकड़ कर हमें चलना सिखाया। तो कौन है ये, मोहब्बत बाप माँ से हम करेंगे क्यों, ये सब हमें किसने सिखाया है, हमारे माँ बाप ने सिखाया है, ठीक है। आगे क्या, अगला पैराग्राफ जो है आपका, अगला जो बंद है उसमें क्या कहते हैं, बताएं क्या वो कितने मेहरबान हैं, यानी हम क्या बताएं कि हमारे माँ बाप कितने मेहरबान हैं हमारे लिए। सुलगती धूप में वो सायाबां हैं, यानी कि जो धूप होती है सुलगती धूप में हमारे ऊपर साया कौन कर रहा है, हमारे माँ बाप। अब यहाँ पे रियल की धूप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दुनिया में जो इतनी परेशानियाँ हैं मुसीबतें हैं, अगर हमारे माँ बाप ना हो तो हम उन्हें कैसे झेल सकते हैं, हम तो ज़रा में रो देंगे, है ना। हमारे मम्मी पापा ही होते हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, अगर मम्मी पापा नहीं है तो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, हमें समझाते हैं, नहीं बेटा
ऐसा नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए कभी अल्लाह ना करे आप फेल हो जाते हैं तो आपका दिल क्या करता है, फेल होगा हम स्कूल छोड़ देंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारे फ्रेंड्स आगे निकल गए, होता है नहीं। तो हमारे मम्मी पापा ही तो हमें समझाते हैं, नहीं बेटा फेल हार और जीत तो ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है ना, होता है ऐसा नहीं होता। तो वही कहते हैं कि सुलगती धूप ने वो साया बाहें, जो हम है फूल तो वो गुलिस्ता हैं, यानी कि अगर हम फूल हैं, हम मासूम हैं, तो हमें पालने वाले, हमारी हिफाजत करने वाले हम किन के अंदर खिले हैं, फूल कहाँ खिलते हैं, गुलिस्ता में खिलते हैं, है ना। क्या लिखता है, हमारी रूह का वो आशियाँ हैं, यानी कि जो हमारी रूह है उसका घर का है, हमारे माँ बाप हैं, मोहब्बत बाप माँ से हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखता है, पहला क्वेश्चन जो है लिखा है, शायर किससे मोहब्बत करने की बात कर रहा है, तो माँ बाप से कर रहा है ना। अगला लिखा है, शायर ने माँ बाप को किसका आशियाँ बताया है, तो हमारी रूह का आशियाँ बताया है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, शायर ने किसको सुलगती धूप में साएमा की तरह बताया है, तो कौन है, हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, अपने पास है, बस आपको थोड़ा सा उर्दू पढ़ना आना चाहिए, जो कि आजकल के हमारे दौर के बच्चों को नहीं आता है। तो थोड़ी सी कोशिश ये कीजिए कि आप उर्दू की अच्छी सी रीडिंग सीख लें, ताकि आप पढ़ सकें। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आप आंसर बहुत जल्दी कर देंगे, है ना। अब यहाँ देखिए, जो हम हैं फूल तो वो क्या है, गुलिस्ता है, है ना। अगर हम फूल हैं तो हमारे माँ बाप क्या हैं, गुलिस्ता हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वालिदैन ने हमको किस में ढलना सिखाया है, तो नए हालात में ढलना सिखाया है, कि जो भी नए हालात हैं उनका हम किस तरह से डट कर मुकाबला कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब ये 6ठा क्वेश्चन है। अब अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, माँ बाप ने हमें किस तरह से फलना सिखाया है, तो किस तरह से हमें फलना सिखाया है, दरख्तों की तरह, है ना। दरख्त फल देते हैं बिना किसी से मतलब के, बिना किसी गर्ज के, सबकी मदद करते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, ठीक। अब इस तरह से ये यहाँ पे आपका देखिए हिस्सा बे शुरू हो गया। हिस्सा बे में देखिए हिदायत आपको दी गई है, इस हिस्से में कुल 13 सवालात हैं, आप इनमें से सिर्फ 10 सवालों के जवाब दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पहला सवाल जो दिया गया है, इसमें लिखा है, असलम मैदान में खेल रहा है, इस जुमले में कौन सा फेल है, तो अब बताइए कौन सा फेल है, अभी खेल रहा है, अभी काम चल रहा है, तो चल रहा है यानी कि फेल हाल, जो अभी हो रहा है। मुस्तकबिल का मतलब है वो काम जो फ्यूचर में होगा, यानी कल मैं खेलूँगा, ठीक है, या असलम कल मैदान में खेलने जाएगा, ठीक है। या फेल माजी जो होता है इसका क्या मतलब होता है, कि जो काम आपका पीछे ज़माने में हो चुका है, ठीक है। यानी कि जैसे असलम कल मैदान में खेल रहा था, मैंने देखा था वो कल खेल रहा था, तो ये क्या हो गया, आपका माजी हो गया। फेल नाकिस में क्या होता है बेटा, जिसमें काम का जो करना है ना वो नहीं पाया जाता है, उसमें हो ना पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ काम हो रहा है ना, कि भाई काम जैसे ये लड़का खेल रहा है, ठीक है, तो ये फेल हाल माना जाएगा। फेल नाकिस कब होता, जब हमें पता नहीं चलता कि क्या हो क्या रहा है। जैसे मैं बोलती कि लड़के मैदान में हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, या असलम जो है वो मैदान में है, क्या कर रहा है नहीं मालूम, समझे। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये आपका फेल नाकिस होता। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए, हामिद मैदान में दोस्तों के साथ खेलता है, इस जुमले में कौन सा अल्फाज इसमें मारफा यानी कि इसमें ख़ास है। तो देखिए इसमें मारफा, इसमें नकरा आपको पता है दो तरह के इस्म के किस्में हैं, एक है इसमें मारफा, दूसरे है आपके इसमें नकरा। तो मारफा को देखिए यहाँ इतना आसान बना दिया गया, आपके पेपर को बता भी दिया गया कि इसमें ख़ास। अब आपको पता होना चाहिए ख़ास का मतलब क्या होता है, कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लें, जैसे कि यहाँ पर हामिद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैदान तो कोई भी हो सकता है, दोस्त भी कोई भी हो सकता है, और खेलता भी कोई भी हो सकता है। खेलता वैसे भी आपकी जो है वो क्रिया हो जाती है, यानी कि आपका फेल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब कौन है, तो इसका आंसर इस्माइल मेरठी आएगा, क्योंकि इस्माइल मेरठी ने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में, कहानियाँ, ये सारी चीज़ें इन्होंने ही लिखी हैं। बाकी गालिब, मीर और ज़ौक ये बड़ों के शायर हैं, ये बच्चों के शायर नहीं हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए लिखा है, खुशनुमा से क्या मुराद है, खुशनुमा का मतलब क्या होता है, खूबसूरत, बहुत अच्छा, ठीक है। कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए,
आप इसका आंसर लिखेंगे कि कहाँ वो पैदा हुए थे, लाहौर में पैदा हुए थे, कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। अगला लिखा है नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था, तो नज़ीर अकबर आबादी जी का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर आप लिखेंगे वली मोहम्मद। ठीक है, तो ये वाला आपका दूसरे नंबर का जो है वली मोहम्मद ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपको कंफ्यूज करते हैं, कहीं पे क्या लिखा है मोहम्मद वली, अली मोहम्मद, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा, आप लोग को सबको पता है कि इस इन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको पेपर जो किताब है पूरी किताब का पढ़ना ज़रूरी है, और साथ के साथ जो आपके इसमें अदीब हैं या शायर हैं उनका पढ़ना भी ज़रूरी है। आगे यहाँ देखिए लिखा है कौल का पास किसकी कहानी है, यानी कि कौल का पास जो कहानी है उसको किसने लिखा है, तो आप इसको पता है आप सबको कि कौल का पास जो है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, है ना, तो आप लिख देंगे कि ये कहानी और इसको किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। रायगा, रायगा के मायने क्या होते हैं, तो रायगा के मायने होते हैं बेकार। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है, मीर अनीस का असल नाम क्या है। ठीक है, तो अब ये है आपका मीर अनीस का असल नाम क्या है, तो आप लिख लीजिए इसका आंसर, उनका नाम मीर बब्बर अली था। आगे देखिए यहाँ लिखा है वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाया था, दिमाग में रखिएगा ये बात, कब लगाया जाता है जुमले के ख़त्म होने पर, तो जब हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम इस तरह से लगाते हैं निशान, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो ये देखिए लिखा है ख़त्मिया कहते हैं। आगे देखिए ये याद रखिएगा, ये सब आ जाता है कि जब हमें रुकना है थोड़ी देर के लिए तो सकते के लिए, यानी इस तरह से कॉमा लगाते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना, और हमें कुछ रब्ता करना होता है तो ऐसे ये लगाते हैं। ठीक है, विसर्ग जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए लिखा है शिकस्त लफ्ज़ का मुतजाद क्या होगा, शिकस्त के मायने क्या होते हैं, हार के। ठीक है, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, क्योंकि आप बच्चे देखेंगे कि शिकस्त, शिकस्त का मतलब होता है हार और हार पे टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है उसका मुतजाद बताइए, मुतजाद का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना, तो शिकस्त के मायने क्या है, हार, तो हार का क्या होगा, फतेह यानी जीत। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैम इसका तो कामयाबी भी हो सकता है शिकस्त का, तो बेटा देखिए ये होता है कामयाबी का नाकामयाबी, है ना, ये तो इसलिए शिकस्त का जो है वो फतेह होगा। ठीक, सेंट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको उनका देख के ही उनका मे वो बनाया जाता है अपोजिट। ठीक है, इसी तरह से अच्छा ये तो कामयाबी लिखा है ना, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अहमद खाना खा रहा है, तो यहाँ लिखा है ये जुमला किसकी मिसाल है, तो अब इसको बताना है कि अहमद खाना खा रहा है, तो अब बताइए ये क्या है, फ़ेले मजहूल है, फ़ेले नाकिस है, या फ़ेले मारूफ है, या फ़ेले मुस्तकबिल है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर हम बात करते हैं कि फ़ेले मजहूल होगा इसका आंसर, ठीक है, तो इसका देखिए ये आंसर फ़ेले मजहूल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फ़ेले मजहूल का क्या मतलब होता है कि जिसमें आपको जो काम करने वाला यानी जो फाइल है वो मालूम ना हो। ठीक है, कि कौन काम कर रहा, तो आपको तो यहाँ मालूम है कि भाई अहमद खाना खा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ए तो नहीं होगा। अब हम बात करें बी, तो बी में क्या होता है नाकिस, यानी कि हमें ये नहीं पता होता कि उसमें काम क्या हो रहा है, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था, तो इसमें तो हमें पता है कि भाई वो खाना खा रहा है, हमें मालूम है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फ़ेल मुस्तकबिल, क्योंकि ये काम तो अभी चल रहा है तो ये तो मुस्तकबिल भी नहीं होगा, फ्यूचर में थोड़ी ना खाएगा, तो चल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ़ेल मारूफ, यानी जिसमें, फ़ेल मारूफ किसे कहते हैं, वो फ़ेल जिसमें काम करने वाला यानी कि जो फाइल है वो मालूम हो। ठीक है, आगे चलें, अब यहाँ देखिए लिखा है कदरदाँ का क्या मतलब होता है, तो सिंपल है कदरदाँ का मतलब होता है कद्र करने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इस तरह से देखिए आपका ये हिस्सा बे जो है कंप्लीट हो गया है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि मुझे हर चीज़ आपको समझानी है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, थोड़ी वीडियो लंबी है तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जब आपके पास मौका हो तब आप देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब हिस्सा जीम पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ हिदायत आपको दी गई है, इस हिस्से में कुल 25 सवाल दिए गए हैं जिसमें से आपको 20 सवाल के जवाब देने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल आपको टेक्स्ट बुक से भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं आपके ग्रामर से भी आपके लिए लिए गए, यानी कवायद से लिए गए हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे लिखा है भारत के दस्तूर का मामर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यहाँ लिखा है दस्त बदस्ती का क्या मतलब है, तो दस्त बदस्ती आपने पढ़ी है ना, नेकी और बदी जो नज्म है, तो इसका मतलब क्या होता है, हाथों हाथ, एक हाथ ले एक हाथ दे, ठीक है, यह मौका दस्त बदस्ती है। इसी तरह से कुछ नज्म है मुझे निकल रही है जहन से। वैसे ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास की उर्दू की सारी वीडियोस देख सकते हैं। बोल बाला होना यानी मुहावरा है, तो बोल बाला का मतलब क्या होता है, किसी भी किसका बोल बाला होना, तो इसका मतलब होता है कि उसकी इज्जत में इजाफा हो जाना, ठीक है, कि भाई तुम तो ये काम करके आए, तुम्हारा तो बोल बाला है, हर तरफ तुम्हारी ही बात हो रही है, तो क्या हुआ, इज्जत में इजाफा हो गया। आगे देखिए लिखा है खलत, खलत का मतलब क्या होता है, वो कीमती लिबास जो बादशाह की तरफ से गिफ्ट में दिया जाए, तो ये देखिए खलत माने कीमती लिबास, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है खुदा ने बेल बूटों को किससे उगाया है, तो ये देखिए ये आपका पूरा टेक्स्ट बुक पे है, तो आप बता देंगे किससे उगाया है, मिट्टी से, है ना, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाया, इस तरह से ही है ना कुछ मेरे जहन से निकल जाता है, काफ़ी टाइम हो गया है पढ़े हुए, और क्योंकि मैं टीचर भी न्यू हूँ जो मैं पढ़ाती रहूँ, तो मेरे जहन नशीन रहे हर चीज़। खैर चलिए आगे चलते हैं, नेकी और बदी की बात करें तो ये आपकी एक नज़्म है, यहाँ लिखा है नेकी और बदी के मुताबिक कहाँ पर हरदम झगड़े उठते हैं, तो कहाँ उठते हैं, दुनिया में उठते हैं, है ना, इसका भी पहला एक मिसरा है ना, ये दुनिया भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, कहते हैं ना दुनिया है जिसका नाम, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को तो सस्ती है, यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है ना, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है, इसी तरह से है ना ये नज़्म आपकी, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, यहाँ मौका क्या, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, अंदर इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ ले उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, इस तरह से ही पूरा है। अब अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप लोग देखेंगे आपकी बुक का आई थिंक थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो बहरहाल इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा दुनिया। और ये नज़्म मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ाई है, मैं तशरी सब के साथ, मतलब तशरी के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ, मरकज़ी ख्याल के साथ, तो आप लोग उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 32वां क्वेश्चन है ये आपका, राजपूतों के सरदार का क्या नाम था, तो इसमें रघुपत सिंह था नाम, है ना, कर लेंगे। आगे चलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है बारिश का पानी कुदरती तौर पर कैसा होता है, तो देखिए अगर हम बात करें तो कुदरती तौर पर बारिश का पानी जो है वो साफ़ सुथरा होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्या लिखा है, उर्दू ज़बान की बनावट और उसका रंग रूप सब है क्या है, हिंदुस्तानी है, क्योंकि जो आपकी उर्दू ज़बान है वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, हिंदुस्तान में ही बड़ी पढ़ी सब कुछ है, ठीक है, तो इसका सब कुछ जो है वो कैसा है, हिंदुस्तानी है, ठीक, कोई इसका लिखने का अंदाज़ पंजाबी स्टाइल नहीं है, ना इसका कोई सिंधी है, कुछ नहीं कश्मीरी, ये सब कुछ नहीं है, ये हिंदुस्तानी है, जिस जगह पे इसने फ़रोग पाया हाँ वहाँ के असर इसने ज़्यादा कबूल किए, यानी अगर ये पंजाब में अपने एरिया में बढ़ी, पंजाबी जो उर्दू है उस पर आपको पंजाब के असर ज़्यादा मिलेंगे, अगर आप सिंधी उर्दू की बात करते हैं जो सिंध में बोली गई वहाँ पर आपको सिंधी ज़बान के असर ज़्यादा मिलेंगे। आगे बात करते हैं आलूदा में क्या मायने, आलूदा के क्या मायने होते हैं, आलूदा के मतलब होते हैं गंदा, ठीक है, तो आपकी अक्सर जो आपका पैराग्राफ होता है ना वो आ जाता है आपका कि पानी की आलूदगी पर लिखिए या फ़िज़ाई आलूदगी पर लिखिए, है ना, तो आपको लिखना होता है, आपको पता ही नहीं होता कि मैम आलूदा का क्या मतलब है, और बच्चे गलत से लिख आते, तो अब याद रखिएगा आलूदा का मतलब होता है गंदा। लिखा है दांतों में उंगलियां दबाना मुहावरे का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो जब दांतों में उंगलियां दबाते हैं तो हम लोग किस चीज़ का इजहार करते हैं, देखिए बेटा दांतों में उंगलियां दबाना जो मुहावरा है इसका सही जो आंसर होता है वो होता है हैरत ज़दा हो जाना, यानी कोई चीज़ जो अचानक से हम देखें उसे देख के हैरत में आ जाए, अरे ये कैसे हुआ, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, दांतों में उंगली दबा लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे क्योंकि हम हैरत ज़दा हो रहे हैं, यानी जब हम कोई चीज़ नहीं कर सकते तब भी हम हैरत ज़दा होते हैं, तो इसमें हम करेंगे कि लाइल्मी का इजहार करते हैं कि अरे ये चीज़ तो हमारे समझ में ही नहीं आई कि ये हुआ कैसे है ना, तो इसमें हमने क्या करा, लाइल्मी का इजहार करा, ठीक है। वैसे इसका असली मतलब जो होता है वो हैरत ज़दा होना होता है, तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे अगर इस तरह से कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए इसका सही आंसर तो यही होता है कि हैरत ज़दा होना, ठीक है, हैरत ज़दा होना,
ठीक, लेकिन यहाँ पे हैरत ज़्यादा होना ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक, तो आप इसमें क्या कर देंगे, लाइल्मी का इजहार करना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है बेहतर तो है यही कि ना से दिल लगे, तो किससे ना लगे दिल, दुनिया से, ठीक है, क्योंकि दुनिया जो है वो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, ये सराय फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। उम्र खिज्र से क्या मुराद है, हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम जो हैं वो उम्र कायम रहने वाले हैं, यानी कि उनका जब तक दुनिया है तब तक वो इस दुनिया में मौजूद है, है ना। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका ये कहा जाता है कि ये भटकों को, जो भी राह भटक जाता है, जो भी राह भूल जाता है, उसको ये राह दिखाने का काम करते हैं हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो क्योंकि जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक ये इस दुनिया में रहेंगे, तो अगर उम्र खिज्र की बात की जाए तो इसका मतलब होता है लंबी उम्र, ठीक है। यहाँ लिखा है किसकी नाव पार उतरती है, यानी कौन है जिसकी नाव जो है वो किनारे लगेगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो औरों की नाव पार लगाता है उसकी ही नाव पार लगती है, जो औरों को पार उतारे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको 40वां सवाल दिया गया है, किस तरह के लोग अपनी तारीफ़ खुद ही करते हैं, तो किस तरह के लोग अपनी तारीफ़ खुद करते हैं, तो देखिए इसका आंसर पहला हो जाएगा तही मगज़ वाले, यानी कि गुरूर वाले, है ना। मगज़ का मतलब क्या हो गया, गुरूर, यानी जिनके अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, ठीक है, तो वो लोग अपनी तारीफ़ खुद करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है आला तालीम के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहाँ जाने का मौका मिला, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इंग्लिस्तान, यानी इंग्लैंड जाने का उन्हें मौका मिला था। आगे लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ताल्लुक किस ख़ानदान से था, तो किस ख़ानदान से ताल्लुक था उनका, वो महार थे, उनका ताल्लुक महार ख़ानदान से था, ठीक है। ये सब मैं आपको बता रही हूँ आंसर सही है, लेकिन अगर फिर भी आप लोग चाहें तो आप इस पेपर को एक बार अपने आप सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितनी चीज़ समझ में आ रही है। कहाँ की हर चीज़ आनी जानी है, तो दुनिया की हर चीज़ आनी जानी है, ये भी है ना, कहता है दुनिया भी अलग तरह की सराय फ़ानी देखी, यहाँ की हर चीज़ आनी जानी देखी। तो यहाँ लिखा है रुबाई के पहले दूसरे और चौथे मिसरे का होना ज़रूरी है, तो क्या होना ज़रूरी है, इसका आंसर आप लिखेंगे हम काफ़िया होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर रदीफ़ ना भी हो तो भी काम चल सकता है, लेकिन हम काफ़िया होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको रदीफ़ और काफ़िया के बारे में मालूमात होगी, अगर नहीं मालूमात है तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, ग्रामर की वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ लिखा है किसका नाम सुनकर बड़े बड़े मुग़ल घबरा जाते थे, तो किसका नाम सुनकर वो घबरा जाते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे रघुपत सिंह का, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है कौन अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जाकर छुप गया था, तो कौन छुप गया था यहाँ पे, राणा प्रताप सिंह, है ना। आगे चलते हैं, आगे यहाँ लिखा है शुमाल हिंद में बोली जाने वाली प्राकृत का क्या नाम है, तो शुमाल हिंद में जो प्राकृत ज़बान बोली जाती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, इसका आंसर आप लिखेंगे शोरसनी, ठीक है। शुमाल हिंदुस्तान में जो प्राकृत ज़बान बोली जाती थी उसका क्या नाम था, शोरसनी। कहते ना संस्कृत बोली जाती थी, लेकिन ये है कि हर किसी के बस की बात नहीं थी संस्कृत का बोल पाना, तो फिर वहाँ पर आम लोगों ने जो ज़बान इख्तियार की, जिसे बोलना शुरू करा, वो प्राकृत कहलाई, और उस प्राकृत की जो शाख थी वो कौन सी थी, शोरसनी थी। आगे यहाँ लिखा है द्रावड़ कौम किस तरफ से आकर हिंदुस्तान में बस गई थी, तो जो द्रावण कौम थी वो कहाँ से आई थी हिंदुस्तान में, तो देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे जुनूब से आके बसे थे, ठीक है। क्योंकि देखिए बेटा ये जुनूब से इसलिए बचे थे क्योंकि वहाँ पे तमिल की तरफ जो है ना ये पूरा ये द्रावणों का था, ठीक है, और ये तमिल तेलुगू यही ज़बानें भी बोला करते थे, तो ये कहाँ से आए थे, शुमाल हो गया आपका ऊपर, और इसका क्या हो जाएगा, जुनूब, ठीक है, ये जाएगा मशरिक और दूसरी तरफ हो जाएगा मगरिब, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ देखिए लिखा है मीर अनिस ने अपनी रुबाई में किसको सराय फ़ानी कहा है, तो आप लिख देंगे दुनिया को, स्कूल तो सराय फ़ानी कभी नहीं हो सकता है ना बच्चों। अब यहाँ देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है छूतछात के लानत ने मुल्क को काफ़ी पहुँचाया, तो क्या पहुँचाया, नुकसान पहुँचाया,
ठीक है, क्योंकि छूत छात की जो लानत थी इससे लोग तरक्की नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए और इसी लानत ने काफ़ी हद तक हम लोगों को नुकसान पहुंचाया। तो अब ये पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे। आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हम लोग आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।